खबर है रामपुर से। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सत्तारूढ़ भाजपा कमर कसती जा रही है। रामपुर के शहर विधानसभा में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को खासा मुस्लिम वोट मिला था, जिसके चलते पार्टी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। आजम खान की पत्नी डॉक्टर तजीमा फातिमा को कांटे की टक्कर भी दी थी। इसी को लेकर भाजपा अब जोर आजमाइश में जुट चुकी है। पार्टी ने वसीम खान को अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया है। मोर्चा की कमान संभालने के बाद जैसे ही वसीम खान रामपुर पहुंचे, तो यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में उनका फूल मालाओं से स्वागत किया था। उसके साथ ही उनके द्वारा रोड शो भी निकाला गया। रामपुर से मुजस्सिम खान की रिपोर्ट। पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, सबसे पहले तो मैं प्रदेश लेवल के नेताओं को, जितने भी मेरे पार्टी के नेता बड़े नेता हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, पार्टी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है अल्पसंख्यक समाज के लिए, और ये आज आपको पता चल गया होगा अल्पसंख्यक समाज रामपुर में कितना जुड़ा है मुझसे, और इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ पार्टी से कितना जुड़ा है, पार्टी के हित में काम होगा। और पता होना चाहिए अल्पसंख्यक का कि रामपुर से सबसे ज्यादा पार्टी में अल्पसंख्यक का वोट जाएगा। तो भाई लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ।